तो दोस्तों उधर आपने जो मुर्गियों को देखा होगा, काफी ज्यादा मुर्गियां हैं जो दोस्तों कुड़क हुई बैठी हुई है, और अंडे भी दोस्तों अपने पास है जो काफी ज्यादा पड़े हैं। तो दोस्तों कारण ये है कि मुर्गियों को जो बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो इस वजह से मुर्गियों को अभी हमें जो अंडों के ऊपर नहीं बैठा रहे हैं। पहले दोस्तों इन चिक्स को हमें जो सेल करेंगे, और जैसे ये बच्चे दोस्तों सेल होते हैं उसके बाद में जो मुर्गियों को दोस्तों अंडों के ऊपर बैठाएंगे। तो दोस्तों कॉकटेल पेरेट्स ने जो एग वगैरह जो दे रखे थे, तो इन्होंने दोस्तों बच्चे निकालना स्टार्ट कर दिए। ऊपर वाले पेड़ ने दोस्तों जो चार बच्चे निकाल रखे हैं, और नीचे वाले पेड़ ने दोस्तों फिलहाल तो दो बच्चे निकाले। देखते हैं बाकी है जो अंडों में से जो कितने बच्चे निकलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों और मटकियों को बाहर निकाल के जो आपको उनके जो बच्चे वगैरह दिखाते हैं, और बाद में चलते हैं दोस्तों कॉलोनी के अंदर। तो पहले दोस्तों हमें जो नीचे वाले केज की जो मटकी को बाहर निकालने लगे हैं, और देखते हैं और भी कोई जो बच्चे वगैरह इसने जो निकाले हैं, या अभी तक है जो दो बच्चे हैं। तो मेल और फीमेल दोनों दोस्तों मटकी के अंदर है, और फिलहाल तो दोस्तों एक बच्चा है जो सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो इनको है जो बाहर निकालते हैं और देखते हैं इन्होंने जो कितने बच्चे निकाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स बच्चे आपको दोनों है जो सामने नजर आ रहे होंगे, और मेल दोस्तों है जो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है और मटकी से दोस्तों बाहर ही नहीं जा रहा है। तो इसको दोस्तों ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, और चलते हैं ऊपर वाले केज के भी है जो बच्चे वगैरह आपको जो दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वाली मटकी को हमने जो वापस है जो उधर ही सेट कर दिया, और अब दोस्तों ऊपर वाली मटकी को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसने भी है जो कोई नए बच्चे वगैरह निकाले हैं। फिलहाल तो दोस्तों इस फीमेल ने जो चार बच्चे निकाल रखे हैं और एक अंडा दोस्तों पड़ा हुआ है। तो देखते हैं इनमें से जो बच्चा निकलता है या नहीं निकलता। तो मटकी को दोस्तों है जो वापस लगाते हैं। मुर्गे के बच्चे दोस्तों है जो केज के अंदर चले गए थे, तो इनको जो वापस हमने जो बाहर निकाल दिया। फीड दोस्तों इनको हम जो दिन में 2 से 3 टाइम है जो इनको फीड देते हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों उनका केज खुलता है सारे के सारे बच्चे दोस्तों अंदर चले जाते हैं। कारण ये दोस्तों कि उनको हमें जो बाजरी वगैरह देते हैं, तो बाजरा दोस्तों इनको जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और इनको दोस्तों हमें जो फीड में गेहूँ देते हैं, तो इस वजह से ये जो बाजरा खाने की फिराक में है जो केज के अंदर चले जाते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों इसने जो नीचे वाले पेड़ ने 2 बच्चे निकाल रखे हैं, और ऊपर वाले पेड़ ने 4 बच्चे निकाल रखे हैं। नीचे वाले पेड़ के 2 अंडे अभी बचे हैं, तो देखते हैं उनमें से जो बच्चे वगैरह निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। पाउन की फीमेल दोस्तों हमें देखती है जो सामने की तरफ आके बैठ गई है। तो जब से बेचारी का दोस्तों मेल गया है, तब से ये दोस्तों जो काफ़ी उदास रहती है, और दोस्तों ये है जो पहले काफ़ी ज़्यादा डरती थी, लेकिन अब जो पास में आ जाती है। तो इसने दोस्तों अपने सेटअप के ऊपर लगभग 3 से 4 टाइम है जो अंडे दिए थे, और सारे के सारे दोस्तों इसने जो अनफर्टाइल अंडे दिए थे। तो इसी वजह से दोस्तों मेल को हमने जो सेल कर दिया है, और इसके लिए कोई नया मेल लेके आएंगे, और उसके बाद में दोस्तों ये अपने जो सेटअप के ऊपर अच्छे से ब्रीड करेगी। कुछ दोस्तों हमने जो बजीज पेरेट्स को जो कॉलोनी से निकाल के इधर है जो छोटे वाले केज के अंदर है जो शिफ्ट किया है। तो ये बच्चे दोस्तों पेड़ को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से इनको हमने जो निकाल के जो शिफ्ट कर दिया है इधर। दोस्तों जेब्रा फिंच ने भी है जो कुछ दिन पहले भी दोस्तों एग वगैरह दिए थे, लेकिन इस पाउन की फीमेल ने दोस्तों उनके जो सारे एग्स को है जो दोस्तों बाहर गिरा दिया था। तो अब बेचारी फीमेल ने दोस्तों वापस है जो एग वगैरह दे रखे हैं। तो इस बार दोस्तों इस फीमेल को हम यहाँ से जो साइड कर देंगे, ताकि ये दोस्तों वापस उसकी ब्रीडिंग है जो ख़राब ना करे। और अब तो दोस्तों ये फीमेल है जो डरती वगैरह भी नहीं है, जब भी मैं इधर दोस्तों सेटअप के ऊपर आता हूँ ये पास में आ जाती है। ये कुछ बच्चे दोस्तों हमने जो इधर शिफ्ट किए, और आपको दोस्तों है जो जेब्रा फिंच के एग वगैरह भी हमें जो दिखा देते हैं कि इसने जो कितने एग दे रखे हैं। तो सामने दोस्तों आपको इसके एग नज़र आ रहे होंगे। तो पहले भी दोस्तों इसने 4 एग दिए थे, और अब भी दोस्तों इसने जो 4 एग ही जो दे रखे हैं। तो सामने दोस्तों आपको तितर और उसके बच्चे है जो नज़र आ रहे होंगे। तो मेल फीमेल दोस्तों है जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही दोस्तों इनको हमने जो अपने सेटअप के लिए लिया है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी डरे हुए हैं। तो दोस्तों बच्चे हैं जो काफ़ी छोटे हैं, और तो इसी वजह से दोस्तों हमने इस पेयर को है जो अपने सेटअप के लिए रखा है, कि दोस्तों ये है जो घूमते फिरते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं अगर ये मेल फीमेल दोस्तों अपने सेटअप के ऊपर जो सेट हो जाते हैं, तब तो इनको है जो अपने सेटअप के लिए रखेंगे, वरना दोस्तों बच्चों को हमें जो अपने सेटअप के लिए रख लेंगे, और मेल फीमेल को जो जिस भाई से लिया है उसी भाई को दोस्तों हमें जो वापस कर देंगे।
तो मेल दोस्तों है जो काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह करता है, इसी वजह से दोस्तों इसके डर से है जो घरवाले हैं जो इनके पास नहीं आते हैं दोस्तों, इनको है जो दिन में 2 बार फीड भी है जो मुझे डालनी पड़ती है। दोस्तों धूप जो है काफ़ी तेज़ है और फीमेल दोस्तों बच्चे को लेके आ गई है बाहर, तो इनको है जो ऑफिस है दोस्तों अंदर डालते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखी है। तो राजन से दोस्तों आपको जो काफ़ी ज़्यादा गंदे नज़र आ रहे होंगे, कारण ये है दोस्तों इनको जो काफ़ी दिन हो गए नहलाया नहीं है, तो इनके दोस्तों ने जो नहाने की व्यवस्था है जो बाहर करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों ये है जो आराम से अब इनको है जो बाहर निकाल देंगे। बच्चा दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गया है तो उसको भी हम है जो बाहर लेके आ सकते हैं। मुर्गियाँ वगैरह दोस्तों अपनी जो इधर बैठी हुई है, कुछ मुर्गियाँ दोस्तों अंडे देने के लिए उधर आपको जो सामने की तरफ नज़र आ रही होगी, और बाकी मुर्गियाँ दोस्तों है जो धूप से बचने के लिए उधर बैठी हुई है। तो पहले दोस्तों राजन है जो अपनी मुर्गियों के साथ ही रहते थे और इधर ही दोस्तों इनके साथ में जो घूमते फिरते थे, लेकिन जब से उन्होंने जो बच्चा निकाला है तो उसके बाद में दोस्तों वो मुर्गियों के जो अपने पास ही नहीं आने देते। तो हम दोस्तों राजन को भी अपने जो इधर मुर्गियों के साथ में शिफ्ट कर देंगे, तो वो है जो दोस्तों इधर है जो आराम से घूम फिर लेंगे। तिरपाल वगैरह डाल के जो उसके अंदर हम पानी डाल देंगे, तो वो दोस्तों पानी के अंदर है जो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल SR Vlog को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।